नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे घुटनों के दर्द की दवा के बारे में। घुटनों में दर्द यानी कि ऐसे मेडिकल कंडीशंस के जब भी आप चलते हैं या फिर आप बैठते हैं और बैठकर जब खड़े होते हैं तो ऐसे कंडीशंस में आपके घुटनों में जो है वो काफी दर्द होता है, फिर घुटनों में से कट कट की आवाज आती है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए जो दवाइयाँ यूज होने वाली है उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं और जान दें कि ये दवाइयाँ किस तरह से काम करती है और कैसे आप ये दवाइयों का सही उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे ही समझो कि आपको डिटेल में सीखना है बहुत सारी दवाइयों के बारे में, तो आप मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं फार्मारोक्स के ऐप ऊपर। तो मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर स्टडी मटेरियल्स वगैरह के लिए डायरेक्टली हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर ऐप को डाउनलोड करें। तो आप आते हैं टॉपिक पे और समझते हैं घुटनों में दर्द के बारे में कि जिसको हम मेडिकल टर्म्स में जॉइंट पेन कहते हैं। तो ये कैसे मेडिकल कंडीशन है कि स्पेशली जो आपके घुटनों होते हैं या फिर जो आपके जॉइंट्स होते हैं वहां पे आपको दर्द होता है, और ये होने का एक मेन रीजन ये होता है कि वहां पे जो है वो सूजन हो गई है, कि जो हमारी हड्डियों के जो अलग अलग जॉइंट्स होते हैं वहां पे आपको काफी ज्यादा दर्द होता है, चलने में दिक्कत आती है, वहां से जो है कई बार आवाज आती है, या फिर जब भी आप बैठते हैं और बैठने के बाद आप खड़े होते हैं और जब जो कि आपको थोड़ा बहुत चलना है तो ऐसे कंडीशंस में जो है वो काफी दिक्कतें आती है। तो ये प्रॉब्लम होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो कुछ हम रीजन समझते हैं। तो सबसे पहला जो रीजन है वो है वीक बोन, मतलब कि आपकी हड्डियां जो है वो काफी ज्यादा कमजोर है और उसके कारण जॉइंट जो होते हैं वो भी कमजोर पड़ जाते हैं और उसके कारण चलने में जो है वो काफी दिक्कत आती है। दूसरा एक रीजन है इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन, कि जो जॉइंट का एरिया है वहां पे समझो कि सूजन आ गई है, कोई इन्फेक्शन हुआ है या आप वहां पे, तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। फिर न्यूट्रिशंस, कि जो हमारी हड्डियों के लिए जो जरूरी न्यूट्रिशंस है कि जैसे कि कैल्शियम है, बोरॉन है, विटामिन K2-7 है वगैरह के समझो कि आपके शरीर में कमी है तो उसके कारण भी यह प्रॉब्लम हो सकता है। फिर आर्थराइटिस के कारण भी जॉइंट पेन हो सकता है कि जिसको हम जोड़ों का दर्द कहते हैं, बोन इन्फेक्शंस हुआ है, रूमेटिक फीवर है, या फिर ऐसी कंडीशंस की जिसको हम पॉकेट्स डिसीज कहते हैं, बोन कैंसर हुआ है, ब्रोकन बोन, बर्साइटिस मतलब कि जो जॉइंट होते हैं या फिर जो बॉन्स के जो ऐसे हिस्से होते हैं कि जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं वहां पे जो है वो आपको सूजन आ गई है, तो ऐसे में भी घुटनों में दर्द हो सकता है। गाउट के कंडीशन में एक सिम्टम बनता है घुटनों में दर्द होना, और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस के कारण भी घुटनों में जो है वो दर्द हो सकता है। तो ये सब हो गए मेन रीजंस। उसके अलावा जो दूसरे कुछ न्यूट्रिशंस रिलेटेड जो रीजंस है, जैसे कि आपके शरीर में विटामिन्स की डेफिशिएंसी है, जैसे कि विटामिन K2-7 की डेफिशिएंसी है, विटामिन D3 की जिसको हम कैल्सिट्रायोल कहते हैं उसकी आपके शरीर में कमी है, B12 की जिसको मिथाइल कोबालामाइन हम कहते हैं उसकी कमी है, या फिर जो मिनरल जैसे कि कैल्शियम या फिर बोरॉन की आपके शरीर में डेफिशिएंसी है तो भी ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। तो अब उसको ट्रीट करने के लिए जो दवाइयां है उसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले पेन किलर और जो एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होती है वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है, और वो जो है ज्यादा से ज्यादा 5 या 7 दिन के लिए या फिर मैक्सिमम आप 10 दिन तक लेते हैं कि जिससे आपका दर्द जो है, आपकी सूजन वगैरह जो है वो कम होती है। फिर समझो कि रीजन है गाउट, कि गाउट के कारण आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में एंटी गाउट मेडिकेशंस दी जाती है। तीसरा समझो कि आपको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है और उसके कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए एंटी रूमेटिक ड्रग्स दी जाती है, हर्बल मेडिकेशंस का भी कॉम्बिनेशन में ऑप्शन रहता है, या फिर जो सप्लीमेंट्स आते हैं विटामिन और जो मिनरल्स के वो आप जो है वो ले सकते। तो शुरू से समझ दे अच्छे से, तो जो पेन किलर्स या फिर जो दर्द कम करने वाली दवाइयां हैं या फिर सूजन कम करने वाली दवाइयां हैं उसमें बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस बन जाते हैं, जैसे कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में से डाइक्लोफेनेक है, एसिक्लो है, सेलेकॉक्सिब है, इटोरिकॉक्सिब है, इटोडोलैक है, पैरासिटामोल, किटोरोलैक है, या फिर पायरोक्सिकम जैसे अलग अलग दवाइयां जो वो पेशेंट यूज कर सकता है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि एसिक्लोफेनेक के टैबलेट्स यहाँ पे देख रहे हैं सस्टेन रिलीज, तो ये जो पेशेंट दिन में एक बार या फिर दिन में 2 बार ले सकता है और मैक्सिमम जो है वो 7 या 10 दिन तक ही लेनी होती है, उससे ज्यादा लेने से आपके लीवर के ऊपर असर हो सकता है या फिर आपके किडनीज के ऊपर असर हो सकता है, तो ये खास ध्यान रखना है। सेकंड किटोरोलैक के यहाँ पे आप टैबलेट्स देख सकते हैं, उसके लिए भी सेम डायरेक्शन है जैसे कि एसिक्लोफेनेक के लिए जैसे मैंने आपको बताई। फिर डाइक्लोफेनेक और पैरासिटामोल का कॉम्बिनेशन में टैबलेट्स भी आते हैं कि जिसको
फेमस एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का एक यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख रहे हैं कि डायना पर करके जो प्रोडक्ट है कि जिसको ट्राइका मैन्युफैक्चर करती है, तो उसका भी डोज सेम रहता है कि एक टैबलेट जो आप दिन में 2 बार या फिर दिन में एक बार ले सकते हैं, जैसे मतलब कि दर्द ज़्यादा है तो दिन में 2 या 3 टैबलेट मैक्सिमम ली जा सकती है। फिर चौथा ऑप्शन यहाँ पे है इटोडोलेक का, कि जिसका एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट है कि जो आपको लंबे समय तक राहत देती है, तो दिन में एक ही टैबलेट लेना भी कई बार ठीक होता है कि जिससे आपको काफ़ी लंबे समय तक दर्द में से राहत मिलती है, शरीर में सूजन वगैरह कम होती है कि जहाँ पे जॉइंट में दर्द हो रहा है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे हैं एमआर टैबलेट कि जिसके साथ थायोकोलचिकोसाइड का कॉम्बिनेशन है और इटोडोलेक है, तो ये मेडिकेशन जो है वो मसल रिलैक्सेशन का काम करती है कि कई बार जॉइंट के आसपास के जो मसल्स है वो समझो कि आपके वहां पे उनमें खिंचाव देखने को मिला है, तो उसके कारण भी समझो कि जोड़ों में दर्द हो रहा है, जॉइंट में दर्द हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में ये कॉम्बिनेशन जो है वो यूज किया जाता है कि जो एक मसल रिलैक्सेशन के तौर पे काम करती है थायोकोलचिकोसाइड, और ये एमआर मतलब कि मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट होती है कि समझो कि आप दिन में एक टैबलेट लेते हैं या फिर दिन में 2 टैबलेट्स लेते हैं 12 घंटे के टाइम इंटरवल पे, तो भी आपको ये दर्द में से और सूजन में से काफी ज्यादा राहत देती है। अब ये दवाइयाँ कुछ साइड इफेक्ट्स करती है, जैसे कि स्टमक में अल्सर करवा सकती है, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, सिर दर्द, ड्राउसीनेस, डिजीनेस, एलर्जिक रिएक्शंस और डायरिया जैसे, तो इसलिए जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टमक में अल्सर करवा सकती है, लीवर के ऊपर उसका असर हो सकता है, किडनीज खराब कर सकती है, तो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन पर उससे ज्यादा ये मेडिकेशंस लेना जो वो ठीक नहीं होता, बिकॉज ये एक टाइप के पेन किलर से केमिकल से। अब दूसरी दवाई के बात करते हैं वो है एंटी गाउट। मान लो कि किसी का जो प्रॉब्लम है घुटनों के दर्द का वो गाउट के कारण हो रहा है, कि जब भी आपने डायग्नोसिस कराया और उसका रीजन पता चला कि आपको गाउट के कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए अलग अलग ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एलोप्यूरिनोल करके ड्रग आती है, कोलचिसिन आती है, फेबोक्सोसेट है, उसके अलावा भी दूसरे जो न्यूअर मेडिकेशंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो है कोलचिसिन के टैबलेट की, जो 0.5 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में खासकर अवेलेबल होते हैं, और उसका जो आप डोज देखोगे तो एक टैबलेट पेशेंट दिन में एक बार या फिर दिन में 2 बार जो है वो ले सकता है। फिर अगर समझो कि कोल्चिसिन सूट नहीं होती तो एंटी गाउट में दूसरा एक ऑप्शन बनता है फेबोक्सोस्टेट का, एक ऑप्शन बनता है कि जो 40 मिलीग्राम के डोज में खासकर अवेलेबल होती है, और वो भी सेम आप दिन में एक या फिर दिन में 2 बार पेशेंट ले सकता है। अगर 2 टैबलेट्स ली जाती है तो ध्यान ये रखना है कि 2 टैबलेट्स के बीच में एटलीस्ट 12 घंटे का टाइम इंटरवल होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन वहां पे बनता है एलोप्यूरिनोल का, कि जो 100 मिलीग्राम के टैबलेट्स में स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है, और वो भी आप सिमिलरली 1 टैबलेट ओडी या फिर बीडी के तौर पे यूज की जा सकती है। अब इनके कुछ साइड इफेक्ट्स है, जैसे कि स्किन के ऊपर रैसेस हो जाना, कि मान लो कि वो मेडिकेशंस आपको सूट नहीं कर रही तो एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, डायरिया हो सकते हैं, नोजिया, फिर लीवर फंक्शन टेस्ट आपका अफेक्ट हो सकता है, और किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये जो दवाइयाँ होती है उसको खासकर मेडिकल सुपरविजन में ही यूज की जाती है, जो एंटी गाउट ड्रग्स होती है, और साथों साथ ध्यान ये रखना है कि आप मैक्सिमम 5 दिन 10 दिन उससे ज्यादा जो है वो यूज नहीं करनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है एंटी रूमेटिक ड्रग्स का, कि मान लो आर्थराइटिस के कारण घुटनों में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए जो एंटी आर्थराइटिस ड्रग्स की, जिसको एंटी रूमेटिक ड्रग्स कहते हैं, कि डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स जिनको कहा जाता है, तो उनमें सबसे पॉपुलर है सल्फासेलेजिन का ऑप्शन बनता है, मिथोट्रेक्साट है, इंजेक्टेबल गोल्ड या फिर ओरल गोल्ड का ऑप्शन रहता है, पेनिसिलेमाइन है, एजाथियोप्राइन या फिर क्लोरोक्विन जैसे अलग अलग दवाइयों के ऑप्शंस रहते हैं। तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है उसमें आप यहाँ पे एक मार्केटेड फॉर्मुलेशन देख रहे हैं, साज करके जो टैबलेट है, कि जो सल्फासेलेजिन के डिले रिलीज टैबलेट है, तो ये जो सल्फासेलेजिन है वो खासकर क्या करता है कि जो रीजन से आर्थराइटिस के, कि जो दर्द हो जाता है, इन्फेक्शन वगैरह जो हो जाता है और जो सूजन मेन है, तो उसको धीरे धीरे कम करता है, और जो दर्द होता है घुटनों का उसको कम करने में काफी जो है वो ये मेडिकेशंस मदद करती है। तो उसको खासकर लोअर डोज से कई बार ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं कि एक टैबलेट दिन में एक ही बार लिए जाती है, और उससे ठीक ना हो तो दिन में 2 या 3 बार जो है उसको पेशेंट लेते हैं। अब उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि रैसेस होना, हेयर लॉस हो सकते हैं टेम्पररी, कि जब तक आप ये मेडिकेशंस खा रहे हैं तब तक आपको हेयर लॉस जैसा हो सकता है, लीवर फंक्शन टेस्ट एबनॉर्मल हो सकता है, नोजिया या फिर डायरिया हो जाना, वेट लॉस होना, न्यूरोपैथी या फिर हाई ब्लड प्रेशर, तो इसी के कारण ये मेडिकेशंस भी लिमिटेड टाइम के लिए और मेडिकल सुपरविजन में ही
यूज की जाती है। अब बात करते हैं हर्बल दवाइयों की, कि जिनके कुछ साइड इफेक्ट्स आपको नहीं होते और आप ये दवाइयाँ जो है वो लंबे समय तक ले सकते हैं अगर आपके घुटनों में दर्द हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप एक प्रोडक्ट देख सकते हैं कि जो हिमालय बनाती है, हार्ड जोड़ करके जो प्रोडक्ट बनाती है, तो वो स्पेशली जो बोन्स होते हैं और जो ज्वाइंट्स होते हैं उनके वेलनेस के लिए प्रोडक्ट है। और उसका जो डोज रहता है, 2 टैबलेट्स आप दिन में 1 बार या फिर दिन में 2 बार ले सकते हैं। मान लो कि आप सुबह 2 टैबलेट्स लेते हैं और रात को 2 टैबलेट्स लेते हैं, या फिर सुबह 1 लेते हैं रात को 1 लेते हैं, तो इस तरह से ये मेडिकेशन ली जाती है और ये कुछ साइड इफेक्ट्स भी आपको नहीं करती और लंबे समय तक आप ये टैबलेट्स को जो है वो ले सकते हैं। अगर उसी में दूसरा एक ऑप्शन से हिमालय में, कि जो रुमालिया कल के टैबलेट्स आती है, रुमालिया फॉर्ट करके, तो ये टैबलेट्स जो है वो दिन में 1 या फिर दिन में 2 टैबलेट जो है वो पेशेंट ले सकता है। और वो भी सिमिलरली जो आगे हमने मेडिकेशंस देखी उसी तरह ही है, कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह आपको नहीं करती और लंबे समय तक पेशेंट जो है उसको खा सकता है। कि जैसे हमने एलोपैथिक दवाइयों के बारे में देखा, तो उसमें ऐसा था कि आप ज्यादा से ज्यादा 5 दिन 10 दिन और उससे ज्यादा लेने से आपका लीवर या फिर किडनीज के ऊपर असर हो सकती है, पर ये दवाइयां ऐसे कुछ मेजर साइड इफेक्ट्स आपको नहीं करती। तीसरा ऑप्शन बनता है होम्योपैथी के अंदर, कि जो SBL के जो ड्रॉप्स आते हैं, ड्रॉप नंबर 6, की जो स्पेशली ज्वाइंट पेन के लिए यूज की जाती है, कि जो घुटनों में आपको दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो उसको यूज कैसे करते हैं, तो ये जो ड्रॉप्स आते हैं उसको आपको पानी में डालना होता है, 10 से 15 जितने ड्रॉप्स, और वो जो है आप दिन में 2 या 3 बार जो है वो ले सकते हैं। और सिमिलरली इसके भी कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स आपको नहीं होते। फिर ऑप्शंस बनता है मालिश का, कि अच्छे से आप मसाज करवा सकते हैं, कि उसमें दिव्य पतंजलि का एक प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, कि पीडांतक तेल आप यहाँ देख सकते हैं, कि जहां पे आपको दर्द हो रहा है स्पेशली, तो वहां पे ये तेल से जो है वो अच्छे से मालिश की जाती है, मसाज किया जाता है ऑयल से। और ये जो मसाज है आप एटलीस्ट 5 ml जितना ऑयल लेके दिन में 2 बार कर सकते हैं, दिन में 3 बार कर सकते हैं, जिससे आपको घुटनों में दर्द में काफी राहत होती है और धीरे धीरे वो दर्द जो है वो कम हो जाता है और आपका जो प्रॉब्लम है वो ठीक भी हो जाता है। फिर उसके बाद जो चरक के हम प्रोडक्ट्स देखे, कि चरक फार्मा के प्रोडक्ट्स, तो एक प्रोडक्ट है रीमानिल करके है, रीमानिल कैप्सूल्स। तो ये कैप्सूल जो है वो एक कैप्सूल जो है वो आप दिन में 1 बार या फिर दिन में 2 बार ले सकते हैं 12 घंटे के टाइम इंटरवल पे। उसी के सिमिलर दूसरा प्रोडक्ट है ऑस्टोलेप करके, तो वो टैबलेट्स फॉर्म में है और ये टैबलेट दिन में 1 या दिन में 2 बार ली जा सकती है। और तीसरा ऑप्शंस बनता है आर्थरेला करके टैबलेट्स का, कि ये तीनों में से आपको जो भी सूट हो वो एक टैबलेट आप ले सकते हैं, तीनों लेने की जरूरत नहीं रहती। अब बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस। चरक का ही एक प्रोडक्ट है ऑस्टोलाइफ करके, यहाँ पे प्रोडक्ट देख सकते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स के एक टाइप के टैबलेट है, न्यूट्रास्यूटिकल्स कहे जाते हैं, कि जो आपके जॉइंट्स को रिपेयर करता है, लुब्रिकेट्स करता है और उनको प्रॉपर एक मजबूती देता है, कि जिससे जो आपको जितने भी अलग अलग ज्वाइंट से आपके किया है, चाहे एल्बो का या का ज्वाइंट हो या फिर आपके लेग्स का जो ज्वाइंट है या फिर फिंगर्स में भी, जो कई बार जो हमारे ये जो ज्वाइंट्स होते हैं वहां पे भी समझो कि आपको दर्द हो रहा है, वहां पे सूजन हो गई है, तो उसको भी ठीक कर देता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ घुटनों के दर्द, बहुत सारे जो ज्वाइंट्स होते हैं हमारे, सभी दर्द को ठीक करने के लिए ये आपको मदद करती है। फिर बैद्यनाथ की हम प्रोडक्ट्स देखें हर्बल्स के अंदर, तो यहाँ पे ग्रोज योगराज गूगल करके प्रोडक्ट है, या फिर रसनादि गूगल करके प्रोडक्ट है, तो दोनों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जोड़ों के दर्द के लिए खासकर यूज की जाती है। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप लगा सकते हैं, कि चाहे आप योगराज वाला यूज करते हैं या फिर रसनादि वाला यूज कर सकते हैं। आगे समझते हैं दूसरे, आप सप्लीमेंट्स पे आते हैं, कि हर्बल्स देख ली हमने, उसके बाद सप्लीमेंट्स की जो स्पेशली बॉडी को जो जरूरी अलग अलग विटामिन से मिनरल्स है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट एबेंडिस लाइफ साइंसेस का, कि बेनोकल K2-7 कल के सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल से। तो उसमें आप कंटेंट देखो तो कैल्सी ट्रायल वहां पे प्रेजेंट है, कि जिसको हम विटामिन D3 कहते हैं, कैल्सियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, कि जो एक आपके लिए मिनरल हो गया, विटामिन K2-7 प्रेजेंट है, जिंक है, साइनोकोबालमिन B12 है, बोरॉन एक मिनरल हो गया और उसके सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है। तो हमने शुरुआत में एक रीजन देखा था कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अगर शरीर में है तो उसके कारण भी घुटनों में दर्द हो सकता है, बॉन्स वीक हो सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये सप्लीमेंट आपको काफी ज्यादा मदद करता है। और उसका डोज ये होता है कि आप एक टैबलेट या फिर उसके जो कैप्सूल्स हैं वो दिन में 1 बार लेते हैं, समझो कि रात को लेते हैं,
तो हर दिन एक हैबिट बना देते कि आप रात को समझे कि सोने से पहले, कि समझे कि रात को आप 10 बजे सोते, तो उसके 5-10 मिनट पहले आप लेकर उसको सो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन बनता है कैरडीकाइन प्लस करके, तो उसमें भी आप देखो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रेजेंट है, और फॉलिक एसिड भी है, कैल्शियम है, बोरॉन है, कैल्सिट्राइल है, एन B12 जो विटामिन प्रेजेंट, मतलब कि ये एक सप्लीमेंट विटामिन और मिनरल्स का है कि जो हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी है, कि जो कई बार कट कट की आवाज आती है, आपके घुटनों में से दर्द होता है, तो ये सब प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ये मेडिकेशंस मदद करती हैं। फिर दूसरे सप्लीमेंट्स में हम देखें तो कैल्शियम एंड विटामिन D3 जो कॉम्बिनेशन में होते हैं, जैसे कि सेल कैल करके आप एक प्रोडक्ट देख सकते हैं, या फिर सीप कैल 500, तीसरा है कैल्साइन डी करके, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली कैल करके। तो ये सभी प्रोडक्ट स्पेशली आपको एक कैल्शियम प्रोवाइड करता है और विटामिन D3 प्रोवाइड करता है, जिसको खासकर इस तरह से लिया जाता है कि आप एक टैबलेट लेते हैं और कोई फिक्स टाइम के लिए जाते हैं कि दिन में या फिर रात को, कोई एक फिक्स टाइम पे आप ये मेडिकेशंस को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं ड्रग सेफ्टी की। तो हमने ये सब दवाइयों के बारे में समझा, हमने हर्बल्स के बारे में समझा, पेन किलर्स के बारे में समझा, एलोपैथिक दवाइयों के बारे में समझा, और स्पेशली गाउट के कारण समझे कि घुटनों में दर्द हो रहा है या फिर आर्थराइटिस के कारण, तो वो सब दवाइयां हमने समझी। तो उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो पेन किलर से या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी है, वो ज्यादा से ज्यादा 7 या 10 दिन के लिए ही यूज करनी चाहिए। फिर जो हर्बल दवाइयां है वो आप लंबे समय तक यूज कर सकते हैं कॉम्बिनेशन में, कि समझे कि आप पेन किलर 7 दिन के लिए ली, तो कॉम्बिनेशन में आप लंबे समय के तक हर्बल या फिर होम्योपैथिक में से आप ले सकते हैं। कि आप होम्योपैथिक ले रहे, हर्बल रहे, तो उसमें ध्यान ये रखो कि कोई एक या दो टैबलेट ही उसमें से सिलेक्ट करो, और साथ में आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। फिर एंटी गाउट और जो एंटी रूमेटिक जो ड्रग्स हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ मेडिकल सुपरविजन में ही यूज किया जाता है। तो एक बार अच्छे से डायग्नोसिस कराना जरूरी होता है आपको, कि आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं और वहां पे वो अच्छे से आपका घुटनों का एक्सरे वगैरह निकालते हैं, जरूरी टेस्ट वगैरह करते हैं, और फिर पता चलता है कि रीजन क्या है। तो उसके अलावा फिर दूसरी दवाइयाँ मेडिकल सुपरविजन में यूज की जाती हैं। तो ऐसे ही समझो कि आपको डिटेल में सीखना है बहुत सारी दवाइयों के बारे में, बीमारियों के बारे में, तो मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। तो ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो स्टडी मटेरियल एक्सेस करें, वीडियो लेक्चर एक्सेस करें, PDF फाइल वगैरह सब आपको मेडिसिन कोर्स में डिटेल में सीखने को मिलेगा, हर एक दवाई एज वेल एज बीमारियों के बारे में। तो अभी हमें व्हाट्सअप करें और ज्वाइन करें मेडिसिन कोर्स को। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।